अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन सेफ एंड साउंड। आई एम अदीबानी, वी आर सोशल स्टडीज टीचर। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट योर हिस्ट्री बुक, यूनिट नंबर 1, द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, चैप्टर नंबर 2, अब्बासिज। आज हमारा अब्बासिज का सेकंड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू अब्बासिज पढ़ा था। ये पढ़ा था कि अब्बासिज थर्ड कैलिफेट थी आफ्टर प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसके बाद क्या था उनका रूल ऑफ स्ट्रक्चर, के इन्होंने मैयत से कैसे जो इन कैलिफेट इनके पास आई, और इनका जो रूल ऑफ स्ट्रक्चर क्या था, इनका करैक्टर्स कैसे थे, और इनमें पावर्स कैसे डिवाइड थी, और ये सारा कुछ हमने पढ़ा था, और इनकी कुछ पॉलिसीज़ पढ़ी थी। आज हमने पढ़ना है राइट द काजेज ऑफ अब्बासिज डाउनफॉल, अब्बासिज के डाउनफॉल होने की क्या वजह थी। फॉलोइंग आर द काजेज ऑफ अब्बासिज डाउनफॉल, अब्बासिज के डाउनफॉल की ये कुछ वजह थी। सबसे पहला था पावर स्ट्रगल, मीन जितने भी हुक्मरान थे जिनके पास कोई ना कोई ओहदा था, वो सारे पावर को के लिए कोशिश कर रहे थे, पावर हासिल करना चाह रहे थे। कोई भी क्या था कि हुकूमत के लिए कोई पॉलिसीज़ पर वर्क नहीं करना चाह रहा था, कोई काम नहीं कर रहा था, सबको अपने लिए पावर्स चाहिए थी। और उसके बाद एन अनऑर्गेनाइज मेथड फॉर सक्सेशन, मतलब जानशीनी, ये एक विरासती कैलिफेट थी, तो इसमें जो हुक्मरानी मिल रही थी वो विरासती बिना पर मिल रही थी, और जानशीनी मतलब बाप की विरासत का हक बेटे को मिल रहा था, हुक्मरान बेटा बन रहा था। तो इसकी वजह ये थी कि अगर बेटा अहल भी नहीं था उसका, तो उसे वो वाली हुक्मरानी मिल रही थी, तो ये एक बड़ी वजह थी इनके डाउनफॉल की। और उसके बाद अनवेयन हमले, मतलब इन पर बहुत से बैरूनी हमले हो रहे थे, जैसे मंगोल्स कर रहे थे, हलाकू खान ने हमला किया था इन पर, तो ये भी इनके डाउनफॉल की एक वजह थी। इंटीरियर स्ट्रगल विद फार्मर एंड मिलिट्री इज़ पुअर, मतलब फार्मर्स के साथ और मिलिट्री के साथ इनकी जो स्ट्रगल थी, इनकी जो जद्दोजहद थी, वो बहुत पुअर थी, और जिसकी वजह से अब जो फार्मर्स होते हैं वो क्या होता है, किसी भी जो कैलिफेट कह लें, कंट्री कह लें, इनकी मौशियत का इन्हसार होता है इन पर। तो ये हमारी जो मौशियत पुअर हो जाए तो फिर वहाँ जो वो वाली कैलिफेट, वो कंट्री, उनका जवाल स्टार्ट होता है। और मिलिट्री भी एक क्या होती है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है किसी भी कंट्री का, किसी भी कैलिफेट का। अब अगर जैसे कि हमारे यहाँ, हमारे यहाँ जब मुशर्रफ ने मिलिट्री के ज़ोर पर ही क्या किया था, जो हुकूमत थी उसका तख्ता उलट दिया था, तो मिलिट्री भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रखती है, अहमियत रखती है कैलिफेट में। तो इनकी जो इनके साथ जद्दोजहद थी, इनके साथ जो तावन था, वो बिल्कुल पुअर था। इनकम्पिटेंट लीडर्स, नाअहल हुक्मरान थे, कंट्रोल बाय अदर फोर्सेस, और दूसरी फोर्सेस क्या करती थी, कैलिफेट को कंट्रोल कर रही थी। जैसे कि अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पर्शियंस, तो इनको जो मैयत से कैलिफेट मतलब ले के देने में सबसे बड़ा हाथ पर्शियंस का था। तो उसके बाद जब अब्बासिज ने अपनी कैलिफेट बना ली थी, तो उसे भी कंट्रोल कौन कर रहे थे, पर्शियंस कर रहे थे। उन्होंने ही क्या किया था, इनका जो कैपिटल था वो बगदाद में ले गए थे, तो जो कंट्रोल हो रही थी वो पर्शियंस, मतलब दूसरी फोर्सेस इन्हें कंट्रोल कर रही थी। तो यही कुछ इनके डाउनफॉल होने की वजूहात थी। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु वर ममलूक्स एंड बाय वेयर दे एस्टेब्लिश। द अब्बासिज हैज़ क्रिएटेड एन आर्मी लॉयल टू ओनली देयर कैलिफेट, मतलब अपनी कैलिफेट के साथ जो लॉयल थी, उन्होंने एक ऐसी आर्मी ऑर्गेनाइज की थी जो कि सिर्फ नॉन अरब्स पीपल पर मुश्तमिल थी, और उन्हें क्या कहा जाता था, ममलूक्स कहा जाता था। ममलूक्स ने क्या किया था, इन्होंने जब बगदाद में फाल हो गया था किनका, अब्बासिज का, तो इन्होंने इन्हें इजिप्ट में, मिस्र में इन्हें इस्टेब्लिश किया था, और मिस्र के जो कैपिटल था उसमें इन्होंने इसे इस्टेब्लिश किया था अब्बासिज को। तो ये जो मिस्र में जाके इस्टेब्लिश अगेन हुए थे अब्बासिज, तो वो ममलूक्स की ही वजह से थे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। आपने ये क्वेश्चंस क्या करने हैं, अपनी बुक्स पे राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं।